मेरे हाथ में कुछ कागज है, इसको लेकर आप सोच रहे होंगे ये क्या है। इस शो में यहां पर मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं अब से मुश्किल से 3 मिनट के अंदर, और ये कागज उसका सबसे बड़ा एविडेंस है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, भारत चीन के बीच कोर कमांडर सर की बातचीत खत्म हो गई है। 19वें दौर की वार्ता करीब 10 घंटे, ठीक सुना आपने, 10 घंटे चली है, यह जानकारी आ रही है। एलएसी पर सैनिकों की वापसी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है, यह भी खबर आ रही है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। राष्ट्रपति जी ने भारत लोकतंत्र की जननी है यह कहा, देशवासियों से महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। पीएम मोदी का ट्वीट, राष्ट्रपति का संबोधन बेहद प्रेरणादायक। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 16 अगस्त को होगी। पीएम मोदी समेत चुनाव समिति के सभी 15 सदस्य हिस्सा लेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक में मंथन होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में बीजेपी ने मनाया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। बीजेपी नेताओं ने जंतर मंतर से कैनॉट प्लेस तक मौन जुलूस निकाला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, हमें जो आजादी मिली वो खंडित आजादी थी। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, विपक्षी गठबंधन इंडिया 6 महीने बाद जीतेगा। ममता बनर्जी ने कह दिया है, ममता बोली बंगाल कुर्सी नहीं चाहता, बीजेपी सरकार को हटाना चाहता है। एक और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, जो हमारी छठी ब्रेकिंग न्यूज है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सीएम से बातचीत की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राहुल, प्रियंका गांधी ने भी फोन किया है। हालात से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। हिमाचल में बाढ़ के बाद तेजी से हालात खराब हो रहे हैं। हिमाचल में बारिश की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 24 घंटे में 50 लोगों की जान गई है, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 19 लोगों की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर, असम के परिसीमन को लेकर अधिसूचना जारी। परिसीमन पर चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, विधानसभा की 126 और लोकसभा की 14 सीटें बनी रहेंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर, जुलाई महीने में बढ़कर 7% के पार पहुंची है। जुलाई में शहरी महंगाई दर 7.20 पर आ गई है। इस सब के बीच में अब आपके लिए जानना जरूरी है कि आज हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। पहली खबर ये देखिए मेरे हाथ में, 15 अगस्त पर पाकिस्तान के 15 पन्नों वाला नफरती दस्तावेज ये है मेरे पास, हम आपको दिखाएंगे। कश्मीर पर टूलकिट वाली साजिश, ये कल के लिए है, खुलासा आज करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, लाल किले पर प्रधानमंत्री के वो स्पेशल 1800 कौन लोग होंगे। कल की स्पीच में पीएम का फोकस किन मुद्दों पर रहेगा, क्या देश को एक नई दिशा दी जाएगी, क्योंकि कई सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री ने की है लाल किले से, और फिर आप उसको देख रहे हैं वो एक रेवोल्यूशनाइज कर रही है चीजों को। हम आपको बताएंगे कि कल क्या हो सकता है। लेकिन तीसरी खबर, अपने नेताओं के 2 बयानों से कांग्रेस कैसे परेशान हो गई, ये पॉलिटिकल स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। चौथी खबर, गलवान से सबक, चीन की गर्दन तक सड़क, एलएसी पर भारत का एक्सक्लूसिव रोड व्यू देखेगा। और पांचवी खबर, हिमाचल में जल प्रलय देखकर मुख्यमंत्री कैसे दहशत में आ गए, तस्वीरें दिखाएंगे आप।